नरेन के रूप में अंगाज है। हाँ, वेल बेसिकली नाने जो है वो काफ़ी ओवर स्मार्ट बन रहा था, मैं रास्ते में आ रहा था तो हाँ उड़ा दिया। इट्स एज सिंपल एज दैट। बस इसके पीछे कौन है, क्या है, उसका मकसद क्या था, ये अब आगे पता चलेगा कि वो नरेन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। एंड कैसे, मैं इसे साबित नहीं कर पाऊँ, लेकिन मुझे पता है कि कहीं ना कहीं पूजा इस सब में इन्वॉल्व है। लेकिन ये पूजा जी से निकलवाना, उनके मुंह से निकलवाना इतना आसान नहीं होगा, तो काफ़ी मज़ा आएगा जब वो खुद इस बात का एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि वो जिस कॉन्फिडेंस में कि नहीं मैं नरेन को मारना चाहती हूँ, अगर मारना चाहती है तो फिर वहाँ दानिश क्या कर रहा है, और अगर दानिश है तो वहाँ पे मामा जी कैसे पहुँच जाते हैं उसे बचाने के लिए। तो काफ़ी सवाल है जिनके जवाब ढूंढने के लिए अंगराज को अपनी हदें क्रॉस करनी होंगी, जैसे हमेशा करता है। अंगराज के बहुत आंसू निकले, मगरमच्छ के आंसू, अगर हम बोले इंटेंस सा सीन था। उसे सिर्फ इतना ही जानना था इन दायर सीन की दानिश ने कुछ कहा तो नहीं, मतलब उसका नाम लिया या फिर उसने कुछ देखा, कोई उसे सिर्फ यही जानना था, इसलिए उसने इतने मगरमच्छ के आंसू बहाए। एंड एंड पॉइंट में मामा जी कुछ बताने ही वाले कि उतने में पूजा आ जाती है और पूरा प्लान चौपट हो जाता है। बट पुलिस को फोन किया जा रहा है, आपके पापा शायद कर रहे हैं, वो भी आप देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पुलिस को फ़ोन करेंगे तो ये भी तो पता चल सकता है कि ये सब मेरे ही कहने पर हुआ है, तो इसलिए पापा को रोका जा रहा है कि मैं इसे अपने तरीके से हैंडल करता हूँ।